हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूरोपियन फंडा चैनल पर। और यह एक टॉप 10 सीरीज है जिसमें मैं आपको विश्व की 10 सबसे पुरानी भाषाओं के बारे में बताऊंगा कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा पुरानी है। तो चलिए देखते हैं। यह टॉप 10 लिस्ट देखने से पहले हम थोड़ा लैंग्वेज के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे कि जिसमें से कुछ फैक्चुअल बातें होंगी, जो तथ्यात्मक होगा कि लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पहले समझ लेते हैं। जैसे कि पूरे विश्व में जो है लगभग लगभग जो है 6900 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से जो 90% भाषाओं को बोलने वालों की संख्या जो है वो 1 लाख से भी कम है। और लगभग 200 से 150 भाषाएं ऐसी हैं जिनको 10 लाख से अधिक लोग बोलते हैं। और लगभग 357 भाषाएं ऐसी हैं जिनको मात्र 50 लोग ही बोलते हैं। और जो आखिरी फैक्ट ये है कि 46 भाषाएं ऐसी भी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या जो टोटल है वो सिर्फ एक है। यानी कि 46 ऐसी लैंग्वेजेस हैं कि सिर्फ उनको 46 लोग ही बोलते हैं, पर्टिकुलर एक लैंग्वेज के लिए एक व्यक्ति। तो 10वें नंबर पे जो लैंग्वेज है उसका नाम है अर्मेनियन लैंग्वेज। अर्मेनियन भाषा भी भारतीय यूरोपीय भाषाई समूह का हिस्सा है, क्योंकि इंडियन यूरोपियन ग्रुप जो है वो लैंग्वेज का सबसे बड़ा समूह है जो अर्मेनियाई लोगों द्वारा बोली जाती है। यानी कि अर्मेनियन लैंग्वेज जो है, अर्मेनिया एक देश है, वहाँ के लोगों द्वारा ये बोली जाती है। 5वीं शताब्दी में लिखी गई बाइबिल इसकी सबसे पुरानी उपस्थिति के रूप में विद्यमान है, क्योंकि बाइबिल की जो लैंग्वेज थी वो अर्मेनियन थी सबसे पुराने दौर पे। अर्मेनियन भाषा की उत्पत्ति लगभग 450 ईसा पूर्व में हुई थी। वर्तमान समय में लगभग 5% लोग इस भाषा को बोलते हैं। यह भाषा मेसोपोटामिया यानी कि जो ईरान, सीरिया और इराक का जो संक्रमित जोन है उसमें जो है ये भाषाएं बोली जाती हैं। और काकास जो कि एक पहाड़ी इलाका है और काले सागर यानी कि ब्लैक सी के पास का जो इलाका है वहाँ पर ये भाषाएं बोली जाती है। यह प्रदेश अर्मेनिया, जॉर्जिया तथा अजरबैजान, सेंट्रल एशिया के जस्ट वेस्ट में अगर जब देखेंगे तो आपको ये 3 अलग अलग देश दिखाई देंगे, जिसमें अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू है। और यह वर्तमान समय में अर्मेनिया गणतंत्र की जो है ये राजभाषा भी है। तो ये अर्मेनियन लैंग्वेज जो है टॉप 10 में जो है 10वें नंबर पे है। 9वें नंबर पे जो भाषा है वो कोरियन लैंग्वेज है, कोरिया देश की, नॉर्थ और साउथ दोनों कोरिया को मिला के। कोरियन भाषा लगभग 600 ईसा पूर्व से बोली जाती है। वर्तमान समय में लगभग 8 करोड़ लोग जो है कोरियाई भाषा बोलते हैं। इस भाषा की जो लिपि है वो है हंगुल, और हंगुल नाम से एक चिड़िया भी इंडिया में पाई जाती है। प्राचीन काल में चीनी लोग जो कोरिया में जाकर बस गए थे, इसलिए कोरियाई भाषा चीनी भाषा से काफ़ी प्रभावित है। और जो आप ये देख रहे हैं जैसे कि ए के साथ ये सिंबल जो देख रहे हैं, ये लैंग्वेज है, यानी कि ये कोरियन अल्फ़ाबेट है। और ये आप देख रहे हैं ये सारा कोरियन अल्फ़ाबेट है। तो 9वें नंबर पर जो सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुरानी भाषा है वो है कोरियन। 8वें नंबर पर जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है वो है अरेमेइक। यह भाषा आज हिब्रू और अरबी भाषाओं में मिल चुकी है, क्योंकि ये जो है जो मिडिल ईस्ट वाला इलाका है वहाँ पे ये बोली जाती थी। और अरमेक के बारे में ये कहा जाता है कि जो जीसस थे क्रिश्चियन में, जो क्रिश्चियनिटी का जिन्होंने प्रचार किया है, उनकी लैंग्वेज और उनके शिष्यों की लैंग्वेज अरमेक ही थी। कभी यह अर्मेनियाई गणराज्य की आधिकारिक भाषा भी हुआ करती थी। अर्मेनियाई ये एक देश है, इसकी मौजूदगी के ईसा से 1000 साल पहले के भी सबूत मिले हैं। आज भी जो अरमेक भाषा है वो इराक, ईरान, सीरिया, इजराइल, लेबनन और आधुनिक रोम में बोली जाती है। अगली जो पुरानी भाषा है उसमें है चीनी भाषा के बारे में बात करेंगे। चीनी भाषा संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह चीन एवं पूर्वी एशिया के कुछ देशों में बोली जाती है। चीनी भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार में आती है, और वास्तव में कई भाषाओं और बोलियों का यह समूह है। मानकीकृत चीनी भाषा असल में एक मंदारिन नामक भाषा है, जिसे वर्तमान में चाइना में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और विश्व की यह सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भी भाषा है। ईसा के आगमन से भी 1200 साल पुरानी है। मौजूदा समय में लगभग 1.2 बिलियन लोग चीनी भाषा बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं चीनी भाषा के ही अल्फाबेट और सिंबल्स हैं। तो चीनी भाषा भी सबसे पुरानी भाषाओं के ग्रुप में से एक है।
पांचवें नंबर पे जो सबसे पुरानी भाषा है वो है ग्रीक। ग्रीक भाषा यूरोप की सबसे पुरानी भाषा है जो ईसा से 1450 साल पहले से बोली जाती थी। ये जो आप इसमें सिंबल देख रहे हैं इस पत्थर में, ये एक म्यूजियम के अंदर रखा हुआ टुकड़ा है जो पुराने टाइम का है, और इसमें जो है सिंबल्स लिखे हुए हैं ग्रीक लैंग्वेज के। और मौजूदा समय में ग्रीक भाषा ग्रीस, अल्बानिया और साइप्रस में बोली जाती है। और जो बालकन का इलाका आप देखेंगे, जो कि इटली का मैप जब आप देखेंगे तो उसमें ईस्ट साइड में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे बालकन स्टेट भी आपको दिखेंगे, वहाँ पर भी ये लैंग्वेज बोली जाती है। लगभग 13 मिलियन लोग आज भी ग्रीक भाषा बोलते हैं, और ग्रीक का एक गौरवमयी इतिहास रहा है ग्रीक भाषा का। अगली जिस सबसे पुरानी भाषा के बारे में हम बात करेंगे, ये इजिप्शियन लैंग्वेज है। इजिप्शियन का मतलब पहले तो हम ये समझ लें कि इजिप्शियन है क्या। इजिप्ट जिसे हिंदी में या हम लोगों की आम भाषा में मिस्र कहा जाता है, उसे इंग्लिश लैंग्वेज में इजिप्ट कहा जाता है, और यहाँ की जो भाषा बोली जाती है उसे इजिप्शियन कहा जाता है। इजिप्शियन भाषा मिस्र की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा है, या भाषा एफ्रो एशियाई भाषाई परिवार से है, या भाषा ईसा से 2600 से 2000 साल पुरानी है। अभी भी यह भाषा अपने स्वरूप को जीवित बनाए हुए है। आप ये जो अल्फाबेटिकल सिंबल देख रहे हैं ये इजिप्शियन है, जो कि इजिप्ट लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं। अगली जो सबसे पुरानी भाषा है वो है हिब्रू। हिब्रू सामी हामी भाषा परिवार की सामी शाखा में आने वाली भाषा है। इसकी जो शाखा है यानी कि जो परिवार है वो सामी हामी है, लेकिन जो शाखा है वो है सामी हिब्रू की। हिब्रू भाषा लगभग 3000 साल पुरानी है। वर्तमान समय में यह इजराइल की राजभाषा है, जिसके विलुप्त होने के बाद इजराइली लोगों ने दोबारा से इसे जिंदा किया। यानी कि ये पहले डेड हो गई थी, फिर लोगों ने क्या किया कि इसके पुराने जितने भी अवशेष रहे उनको इकट्ठा किया और इसे से फिर से आम बोलचाल की भाषा में लाने की पूरी कोशिश की। इसे यहूदी समुदाय पवित्र भाषा भी मानता है, और बाइबल का पुराना नियम इसी में लिखा गया था, क्योंकि हिब्रू सबसे ओल्डेस्ट है और उस क्षेत्र में जहाँ पे बाइबल ओरिजिनेट हुई वहाँ पर हिब्रू लैंग्वेज का ही प्रयोग किया जाता था। हिब्रू भाषा इब्रानी लिपि में लिखी जाती है, जो दाएं से बाएं पढ़ी और लिखी जाती है। इंडिया में जो नॉर्मली लैंग्वेज जो लिखी जाती है वो बाएं से दाएं का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हिब्रू जो होती है उर्दू स्टाइल में लिखी जाती है, कि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। पश्चिम के विश्वविद्यालयों में आजकल इब्रानी का अध्ययन अपेक्षाकृत काफी लोकप्रिय हो रहा है। वर्तमान में क्या हो गया कि ओल्ड इज गोल्ड वाला मामला हो गया है, पुराने चीजों पे रिसर्च और ये सारे मसलों में लोगों की ललक बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इस वजह से आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रथम महायुद्ध के बाद फिलिस्तीन की राजभाषा जो है भी आधुनिक इब्रानी है। तो जो मॉडर्न इब्रानी लैंग्वेज है वही आज वर्तमान में फिलिस्तीन की राजभाषा है। ये जो आप अल्फाबेट्स देख रहे हैं ये हिब्रू लैंग्वेज के ही अक्षर हैं, इसको इस साइड से पढ़ा जाएगा, इस साइड से। अगली जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है वो है तमिल, जो कि द्रविड़ियन फैमिली की एक लैंग्वेज है यानी कि भाषा है। तमिल भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा के तौर पर मान्यता मिली हुई है, लेकिन यह द्रविड़ परिवार की सबसे प्राचीन भाषा है, यानी कि भारत के दक्षिण हिस्से में जो राज्य स्थित हैं उनके परिवार से। करीब 5000 साल पहले भी इस भाषा की उपस्थिति थी। एक सर्वे के मुताबिक प्रतिदिन सिर्फ तमिल भाषा में 863 अखबार प्रकाशित होते हैं, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। वर्तमान में तमिल भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 7.7 करोड़ है। यह भाषा भारत, श्रीलंका, सिंगापुर तथा मलेशिया में बोली जाती है। भारत और श्रीलंका में बोले जाने की वजह ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे तमिलियन लोग बसे हुए हैं, लेकिन फिर यहाँ से जो है बहुत सारे प्रवासी और गिरमिटी मजदूर के तौर पे सिंगापुर और मलेशिया में जाके बसे। इस वजह से भी तमिल का प्रचार हुआ और ये यहाँ पे फली फूली और लोगों के द्वारा इसे बोला जाता है। अगली जो लैंग्वेज है सबसे पुरानी वो है लैटिन। लैटिन प्राचीन रोमन साम्राज्य और प्राचीन रोमन धर्म की भाषा थी, यानी कि जो ग्रेट रोमन एम्पायर था उसकी रिलीजन की और पॉलिटिकल जो यूजेस की डेली बेसिस पे जो लैंग्वेज थी, राजभाषा थी, वो लैटिन थी। वर्तमान समय में यह रोमन कैथोलिक चर्च की धर्म भाषा और वेटिकन सिटी की राजभाषा है, जो इटली के अंदर एक जो ऑटोनॉमस सिटी है जिसे दुनिया विश्व के सबसे छोटे देश का दर्जा प्राप्त है, उसकी राजभाषा और धर्म भाषा दोनों है। संस्कृत की तरह यह एक शास्त्रीय भाषा है, यह क्लासिकल लैंग्वेज है जो कि इसके लिए एक बड़ा ओहदा तय करता है।
लैटिन हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की रोमांस शाखा में आती है। इसी से फ्रेंच, इतालवी यानी कि इटालियन, स्पेनिश, रोमानियन, पुर्तगाली यानी कि पोर्चुगीज और वर्तमान समय की सबसे लोकप्रिय भाषा अंग्रेजी का उद्गम हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि लैटिन भाषा जो है मदर ऑफ ऑल मेजर यूरोपियन लैंग्वेज जितनी भी हैं उनकी ये मदर है। यूरोप में ईसाई धर्म के प्रभुत्व की वजह से मध्ययुगीन और पूर्व आधुनिक कालों में लैटिन भाषा लगभग सारे यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी, जिसमें समस्त धर्म, विज्ञान, उच्च साहित्य, दर्शन और गणित की किताबें लिखी जाती थी। आप ये जो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट देख रहे हैं ये पूरा लैटिन के शब्द हैं। तो दूसरे नंबर पे टॉप ओल्डेस्ट यानी कि सबसे प्राचीन भाषा है वो है लैटिन। चलिए अब पहला आ गया है हम लोगों, तो जो सबसे प्राचीन लैंग्वेज है उसमें जो है भारत को गौरव प्राप्त है टॉप पे होने का, ये संस्कृत लैंग्वेज है। संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है, यानी कि देवताओं के एक दूसरे के बीच में जो तालमेल बैठाने के लिए, जो बातचीत करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से तमाम यूरोपीय भाषाएं प्रेरित लगती हैं। दुनिया भर में पहले तमाम विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की तमाम भाषाएं कहीं ना कहीं संस्कृत से ही निकलती हैं, क्योंकि जब इन सारी चीज़ों को जब रिसर्च किया जाता है तो जो उनका ओरिजिन फैक्टर होता है उसमें संस्कृत के तत्व तो बहुत सारे मिलते हैं। संस्कृत भाषा ईसा से 5,000 साल पहले से भी बोली जाती है। संस्कृत आज भी भारत की राजभाषा है, हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी इसे प्रमोट किया जा रहा है। कई केंद्र की कई योजनाएं भी चल रही हैं जिसमें संस्कृत को बचाने और उसको जो है बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वर्तमान समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा के बजाय केवल पूजा पाठ एवं कर्म कांड की भाषा बनकर रह गई है। इसका सिर्फ पूजा पाठ में ही इस्तेमाल किया जा रहा है वर्तमान समय में, आम बोलचाल में ये नहीं रह गई है। हिंदू धर्म में संपन्न होने वाले सभी शुभ कार्यों में वेद जो मंत्र का पाठ किया जाता है, यानी कि जो पूजा पाठ होता है, रामायण महाभारत का जो ज्ञापन पाठन किया जाता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है यानी कि भाषा होती है वो संस्कृत है। तो ये जो है टॉप 10 सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज यानी कि भाषाओं के बारे में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।